हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इंडियन लोकल फूड में। आज अब मैं चिकन बनाने जा रही हूँ, श्रेडेड फ्राइड चिकन। सबसे पहले मैंने चिकन लिया है 1/2 किलो का। अब हम इसे बॉईल करेंगे गर्म पानी में। पानी थोड़ा सा गर्म हो चुका है, अब मैं चिकन को डाल दूंगी इसमें और इसे 15 मिनट तक या फिर जब तक अच्छी तरह से ना पक जाए तब तक हम इसे बॉईल करेंगे। चिकन अच्छी तरह से पक चुका है, मैंने 15 मिनट तक इसे उबाला है। अब हम इसे निकालेंगे। अब मैं इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने दूंगी, उसके बाद श्रेड करूंगी। अब मैं अपने हाथों के मदद से इसे श्रेड करूंगी। बहुत ही आसान इसे श्रेड करना, तो आप जितना छोटा पीस आप खाना चाहते हैं उतना छोटा बना सकते हैं। तो मैं इतना साइज का बनाऊंगी, सभी को मैं इसी तरह से श्रेड कर लूंगी। इसी तरह से मैं सभी को श्रेड कर लूंगी। मैंने अच्छी तरह से श्रेड कर लिया है चिकन को, अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो मैंने एक पैन को गरम दे दिया है, अब हम इसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल थोड़ा ज्यादा डालेंगे, तो मैंने 4 से 5 स्पून ऑयल डाला है। तेल थोड़ा सा गरम हो चुका है, अब हम चिकन को ऑयल में डालेंगे। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मैंने छोटे स्पून का 1/2 चम्मच नमक लिया है, इसे हम डालेंगे। रेड पेपर भी छोटे स्पून का 1/2 चम्मच, सोया सॉस भी छोटे चम्मच का 1/2 चम्मच। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो आप इसमें कोई भी मसाले डाल सकते हैं। अब हम जब तक एक अच्छी तरह से क्रिस्पी ना हो जाए तब तक हम इसे फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं कितना अच्छा गोल्डन कलर हो चुका है और बहुत ही क्रिस्पी हो चुका है। अभी तैयार हो चुका है, अब हम इसे सर्व करेंगे, निकालेंगे। अगर आप और क्रिस्पी खाना चाहते हैं तो थोड़ी देर के लिए और फ्राई कीजिए, और भी अच्छी तरह क्रिस्पी हो जाएगा ये। तो मैं इसे एक बॉल में निकाल लूंगी। आप इसे सैंडविच के अंदर खा सकते हैं, चाउमीन में डाल के खा सकते हैं, या फिर ऐसे ही खा सकते हैं इसे। आपने देखा कि आज हमने किस तरह से श्रेडेड फ्राइड चिकन बनाया है। आप भी अपने घर में ट्राई करें और हमें बताएं कि आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच आज हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। प्लीज आप लाइक करते रहे, सब्सक्राइब करें और शेयर करना भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।